गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राम सर। होप सो यू आर वेल एंड फाइन एट योर होम। टुडे आई विल डिस्कस द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्लास 12 लेक्चर नंबर 3। तो कल हमने इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराई थी, जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से रिलेटेड थी। कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको अभी इससे डिस्कस करते हैं, हम लोग बताता हूं। तो क्वेश्चन है, टेन इनवर्स वन माइनस कॉज एक्स अपॉन वन प्लस कॉज एक्स। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इट इज गिवन दैट टेन इनवर्स वन माइनस कॉज एक्स अपॉन वन प्लस कॉज एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक बार कल भी बताया था कि क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसने अच्छे से पढ़ी है, जिसने आइडेंटिटी अच्छे से लर्न की हुई है, उसके लिए यहाँ पर बहुत उससे फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ कि हमने इसके लिए वन माइनस कॉज एक्स की प्रॉपर्टी होती है हाफ एंगल के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड 1 प्लस कॉज एक्स की प्रॉपर्टी 2 साइन 2 कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसका इस्तेमाल हम अपने इस क्वेश्चन के लिए करते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स इज यू कैन राइट हियर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x upon 2। स्टूडेंट, यू नो 2 एंड 2 गेट कैंसिल एंड tan इनवर्स sin स्क्वायर x upon 2 upon cos स्क्वायर x upon 2 cos स्क्वायर x upon 2 sin upon cos becomes tan। ये आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर रिप्लेस ईच अदर, सो इट बिकम्स tan x अपॉन 2। आपको कल भी बताया था tan इनवर्स tan, sin इनवर्स sin, अगर ये होते हैं तो ये सिर्फ यहां पर जो लास्ट का एंगल होता है यही फाइनल आंसर होता है, यही रखा जाता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वन मोर प्रॉब्लम, और इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, टेन इनवर्स टू कॉस टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू, टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर यू से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो टू कॉस, अब देखिए टू साइन इनवर्स अब वन अपॉन टू है, ये वन अपॉन टू जो है ये साइन की टेबल में, साइन की टेबल में जो वैल्यू है ये होती है साइन पाई बाई 6 इक्वल्स टू वन अपॉन। तो यू कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ वन अपॉन टू साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 नाउ टू कॉस साइन वर्स साइन, दिस इज द फंक्शन साइन वर्स साइन, इट बिकम्स पाई बाई 6 साइन वर्स साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इट बिकम्स ओनली थीटा। द वैल्यू ऑफ 2 साइन इनटू पाई बाई 6 2 थीटा। तो नाउ यू कैन राइट हियर टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3
यू नो द वैल्यू ऑफ पाई बाय 3, आप सब लोग जानते हैं कि पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 बिकम्स 1/2 10 plus 2 cos, the value of cos pi by 3, 1/2. So, 10 plus 1, 10 plus 1, or 10 plus 1, के लिए आप कह सकते हैं 10 pi by 4. 10 plus 10, again कैसे? So, the answer is, 5/4. This is the final answer of this question. Note down it. इस type से कुछ और इसकी problems हैं और एक दो problem को solve करते हैं. समझ लीजिए इसको. कहीं कोई step अगर आपको problem करती है तो उसको pause करके थोड़ी देर रोक के आप इसको सही से समझ लीजिए. और बेटा देखते हैं इसको हम. Some other problems. एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 10 सीधा 13 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 10 वर्स टेन साइन वर्स 2x अपॉन 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. देखिए स्टूडेंट इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये दो पार्ट में बना हुआ क्वेश्चन है. एक साइन इनवर्स 2x, एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन अलग है. तो ये दो क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इसमें मिला गया है तो हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे अलग अलग. तो देखते हैं कि आप सबसे पहले इसको आप इसके इस वाले पार्ट में लिखिए. तो यू कैन राइट हियर साइन इनवर्स 2x फर्स्ट स्टेप 1 प्लस x स्क्वायर. सिर्फ इतने वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं 1 प्लस x स्क्वायर. ऐसे केसेस में कल भी बताया था मैंने आपको कि सब्स्टिट्यूशन करके इस टाइप की प्रॉब्लम है वो थोड़ी इजी हो जाती है. थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम करने का तरीका चेंज हो जाता है सॉल्व करने का. तो जहां भी बताया था 1 प्लस x स्क्वायर अगर कहीं होता है तो या तो आप रूट में हो विदाउट रूट हो 1 प्लस x स्क्वायर के केस में जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है तो मोस्टली केसेस में x = 10 का सब्स्टिट्यूशन करते हैं. तो आप लिखेंगे यहां पुट x इक्वल्स टू 10 अल्फा. 10 थीटा 10 अल्फा एक ही बात होती है. तो वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स x. तो यू कैन यूज दिस थिंग एंड सिमिलर केस इस वाले पार्ट के लिए. अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम यहां पे ले लेंगे इसी तरीके से. तो 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर. ये देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे. इसके लिए सॉल्व करने को आप y स्क्वायर के प्लेस पे कुछ और सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहां पर भी आपको अपॉन में 1 + y स्क्वायर है 1 + की कंडीशन आ रही है. तो इसके लिए भी आप x = 10 के फॉर्म में रखेंगे. तो 10 के फॉर्म में पुट y = tan बीटा. वन मोर है के tan बीटा वैल्यू ऑफ बीटा = tan इनवर्स y. जब आप tan के लिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये इनवर्स को ऑक्युपाई कर लेगा. तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से इसकी कंडीशन. अब इन जो वैल्यूज हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं इन वैल्यूज का इस्तेमाल आप अपने इस प्रॉब्लम के साथ करिए. तो यू कैन राइट हियर अगेन कंप्लीट क्वेश्चन साइन इनवर्स 2 tan alpha upon 1 plus tan square alpha and cos. So 1 minus
तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, ये फिर से आपकी आइडेंटिटी का वर्क करेंगे, 2 tan थीटा अपन 1 plus tan square थीटा, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ 2 tan थीटा साइन 2 थीटा। फिर आप ऐसे केसेस में यू नो
प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी पर ही मोस्टली इसकी प्रॉब्लम बन रही है, तो फिर हम इसके लिए इसके एप्लीकेशन करते हैं। ये आपका ये पार्ट है एक्स के लिए वर्क करेगा और ये वाला पार्ट किसके लिए वर्क करेगा, तो वाई के लिए। तो यहाँ पर ये फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो गया, तो इसके लिए आप यहाँ से लगाइए और दोनों साइड इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स की प्लेस पे आपको लिखना है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फाइव बाई फोर है। ये फाइव बाई फोर हो सकता है, अभी चेक कर लेंगे। फाइव बाई टू टेन के लिए फाइव बाई टू की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है, इसके लिए अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। तो आप इसके लिए अब इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैलकुलेशन पार्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है, ये इसके डिनोमिनेटर का लेंगे तब लेकिन एलसीएम एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू, तो यू कैन राइट हियर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू एंड डिनोमिनेटर इन सेम केस द एलसीएम एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो यू कैन राइट हियर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होल वैल्यू इक्वल्स टू पाई बाई फोर। यू कैन सेंड द टेन इनवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो यू कैन राइट हियर ऑनली ये टर्म जो है इसी तरह जाएगी, टेन पाई बाई फोर हो जाएगा और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, हम जानते हैं अच्छे से। तो यू कैन राइट हियर इसको सॉल्व करने से ब्रैकेट को ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन होगी तो यू कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एंड माइनस टू। सो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू गेट कैंसिल, तो इसका ये पार्ट। और यहां पर आपका देखिए ये आइडेंटिटी बनी है, फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका दो बार इस्तेमाल हुआ है तो आप क्या समझने के लिए देखिए, आप जानते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप लर्न कर लीजिए क्योंकि इसका आपको जगह जगह इस्तेमाल होता रहेगा। ये बार बार बच्चे कंप्लीट होते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कई बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर जाते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर कर जाते हैं। तो इस टाइप की मिस्टेक अगर आपको हो गई, मैथमेटिक्स की सीधी सी मैटर है कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। तो बच्चों प्लीज बी के बोल इक्वल राइट एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू इक्वल राइट हियर टेन पाई बाई फोर। टेन को आप राइट हैंड साइड को सेंड कर दिया तो टेन पाई बाई फोर हो गया। यहां पर आप देखिए टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस गेट कैंसिल, एक्स प्लस माइनस एंड एक्स प्लस इसे ऑल्सो कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर लगा के टू एक्स
square minus 2 minus 2 minus 4. You can write here x square minus 4 minus x square plus 1. The value of 10 pi by 4 also 1. Again you can write here x square get cancelled. 2x square minus 4 4 in minus 3 is equals to 1. Now by cross multiplying 2x square minus 4 equals to minus 3. You can write here 2x square equals to minus 3 plus 4. Step by step they will do. Kahi koi doubt nahi hoga problem ko samajhne mein. To 4 minus 3 1 hota hai aur x square equals to 1 upon 2. The value of x equals to plus minus 1 upon under root 2. This is also most important question. Please नोट ऑन केयरफुली तो समझ लीजिए इसको बार बार देखिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज. नोट कर लीजिए इसको और इसके आइडेंटिटी से रिलेटेड इसकी जो आइडेंटिटी से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करते हैं. ये लास्ट लेक्चर है तो इसमें मैक्सिमम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं. जो कंपटीशन या बोर्ड ऑफ उनसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स. देख लीजिए इसको सही से. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कई बार ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 6 और 7 के लिए भी तैयार हो रहा है. अभिसार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपने आप में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है. ये अपने आप में सिर्फ ये मान लीजिए आपका 3 से 4 नंबर का मैक्सिमम वेटेज है इसका. बट ये चैप्टर नंबर 5 के लिए चैप्टर नंबर 7 के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसलिए इसका कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ा. यहाँ पर इसको बार बार आप देख के समझ सकते हैं जिससे आपको आने वाली प्रॉब्लम इसको इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी. तो हम इवेल्युएट करेंगे. तो अब इस टाइप की प्रॉब्लम आई है. इसको करना क्या है कि 1 प्लस साइन एक्स. तो 1 प्लस साइन एक्स के लिए देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो जाता है. फर्स्ट मेथड है ये हाफ आइडल में सबको ब्रेक कर लीजिए. 1 जहां पर है तो 1 के लिए आइडेंटिटी लगा दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू. कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू सिमिलरली एंड साइन एक्स इज द आइडेंटिटी ऑफ टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू. सारे बच्चे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है. साइन एक्स की आइडेंटिटी हाफ एंगल के लिए जो होती है वो टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू. याद रखिएगा इनका एप्लीकेशन आपको यहाँ करना है. टू साइन कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू ये वन को रिप्लेस करेगा और प्लस प्लस टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू. इसी तरीके से आपको प्लस यहां पर भी आपको सेम कंडीशन लेनी है. वन तो वन के लिए भी कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू साइन एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स वाई टू प्लस टू साइन एक्स अपॉन टू और एक्स अपॉन टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू टू साइन एक्स वाई टू एंड कॉस एक्स वाई टू। ये इस तरीके से एप्लीकेशन आपने इसको लगा लिया, समय एक एप्लीकेशन से फोर टाइम्स एप्लीकेशन करके इसको ब्रेक कर दिया, फिर कॉट इनवर्स इसके लिए देख लीजिए आए कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। अगर आप इसको ए कहें इससे बी कहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सीधा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यू कैन राइट हियर कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर सिमिलरली दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ cos x by 2 minus sin x upon 2 and in denominator you can write here this is perfect square of cos x by 2 plus sin x by 2 and this is the perfect square of cos square cos x by 2 plus minus sin x माइनस साइन एक्स वाई। अब जहां जहां परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर रूट है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर इसको नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी देखिए आगे को नोट करिए तो आगे बताते हैं। तो आगे जो आपको बन जाएगा यहां से देख लीजिए, तो यहां से सब जगह से आपका जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाएगा। तो दिस बिकम्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2 इन डिनोमिनेटर ऑल्सो राइट cos x by 2 प्लस sin x by 2 minus cos x by 2 plus sin x by 2। ये तो आप समझ गए होंगे कि माइनस का ये माइनस के अंदर ट्रांसफर करेंगे लेकिन रूट हट जाएगा और इसी से ट्रांसफर होगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा। अब cos x by 2 will cancel and here is sin x by 2 cancel। तो यू कैन राइट हियर cot inverse यहां पर sin x by 2 and sin x by 2 बैठते हैं cos x by 2 cos x by 2 becomes 2 cos x by 2 and in the denominator 2 sin x by 2 sin x by 2 2 and 2 is get cancel। तो आप जानते हैं फिर से किसी कंडीशन आ गई cos upon sin तो cos upon sin हुआ राइट है इसको और थोड़ा सा यहां की बजाय यहां को इसको स्टोरफ कर देता हूं। तो बेटा देख लीजिए तो ये आपका बन जाएगा cot inverse cot x y cot inverse cot get cancel the value of this a x y to is final answer। तो आप सही से देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट वन मोर प्रॉब्लम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। टू टेन इनवर्स कॉस एक्स टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। ये भी क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। देखिए बेटा
तो 2 tan inverse cos x, tan inverse cosec x, ये एक स्पेशल अलग फार्मूला है और अलग फार्मूला का एप्लीकेशन यहां पर होना है कि ऐसे केसेस में एक फार्मूला आप समझ लीजिए, ये है क्वाड्रेंट फार्मूला कि tan 2 tan inverse x tan हो या 2 tan inverse theta equals to आप सकते हैं tan inverse 2 theta upon 1 plus x करेंगे तो 2x upon 1 plus x square 1 minus x square तो इसका एप्लीकेशन आप करते हैं यहां पर आप x के प्लेस पर क्या है ये x के प्लेस पर cos x है तो इसका एप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे तो इस क्वेश्चन को यहां पर x के टर्म्स में x की वैल्यू निकालनी है आपको तो मान लीजिए कि हमको इसको दोनों साइड एक साथ लेकर चलनी है तो क्या करना है tan inverse 2 tan inverse cos x तो इसका फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे 2 tan inverse x है तो tan inverse 2 cos x upon 1 minus cos square x x को रिप्लेस कर दिया है cos x से और ये एडिटिव कहेगा यहां कोई फर्क नहीं आना है आपका जैसा चला था तो tan inverse tan inverse left hand side right hand side get cancelled तो यू कैन राइट ऑन नॉट करें ये काटते नहीं है और लिखते भी नहीं है cos x upon 1 minus cos square x देखिए आप जहां डिवाइडेड के लिए 1 minus cos square x यू कैन राइट sin square x ये आइडेंटिटी है 1 minus cos square x इक्वल्स टू sin square x और ये रह जाएगा cosec x और cosec x को आप लिख सकते हैं 1 upon sin x देखिए एक बार sin x यहां है एक बार sin square x है ये कट जाएगा तो आपका बचेगा टू cos x upon sin x ये टू cos x upon sin x तो आप देख सकते हैं ये cos x equals to 1 upon 2 एक बार इसको जरा चेक करते हैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन को थोड़ा सा ये है cosec x के प्लेस पर 2 cosec x है तो यहां पर 2 cosec x होगा तो बच्चे थोड़ा सा सिंपलीफाई करने कर लेंगे यहां पर 2 रहेगा 2 1 2 गेट कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर ये 2 नहीं आएगा ध्यान से देख लीजिएगा तो वहां पर थोड़ा सा तो अब ये बन जाएगा आपका cos upon sin equals to 1 तो tan x cot x तो आप यहां समझ लीजिए तो ये हो जाएगा cot x equals to 1 और cot x equals to cot pi by 4 and x equals to pi by 4 this is also most important question तो student please अगर ये questions आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे like जरूर करिएगा और subscribe करना बिल्कुल ना भूलें Thank you so much.